एक चीज ऐसी है जो आपको कुछ भी काम करने से पहले 10 बार सोचने पर मजबूर कर देती है या करने ही नहीं देती है, और वो है डर। और ये डर एक ऐसी चीज है ना जो आप पर काबू पाए, इससे अच्छा है कि आप उस पर काबू पाए। काबू पाना यानी कि कंट्रोल, कंट्रोल। और प्रीमियर ने वीडियो एडिटिंग के अंदर कंट्रोलिंग के लिए हमको दिया हुआ है इफेक्ट्स कंट्रोल। इफेक्ट्स कंट्रोल सब कुछ कंट्रोल करता है, और क्यों ना हम इस इफेक्ट्स कंट्रोल को ही कंट्रोल में कर लें। और इस इफेक्ट्स कंट्रोल को कंट्रोल में करने के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा आज ऐसी कुछ टिप्स जो कि प्रोफेशनल एडिटर्स यूज करते हैं, मैंने देखा है उन लोगों को यूज करते हैं, और इन टिप्स को मैं भी फॉलो कर रहा हूं काफी टाइम से। ये टिप्स होंगी बेसिक्स टू एडवांस। मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बेसिक टिप्स से एडवांस टिप तक लेके जाऊंगा, और एडवांस टिप्स तो आपका दिल खुश कर देगी कि आपको किस तरीके से इफेक्ट कंट्रोल अपने कंट्रोल में करना आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1। देखिए आप इफेक्ट कंट्रोल के अंदर जब इन वैल्यूज को चेंज करते हैं, तो नॉर्मली हम लोग वैल्यूज को चेंज करते हैं, इसको ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे ड्रैग करते हैं तो वैल्यूज चेंज होती हैं, या फिर आप इस पर टाइप करते हो। एक तरीका और है कि अगर आप इसको कंट्रोल प्रेस करके अगर इसको आप वैल्यूज को चेंज करेंगे तो वैल्यूज बहुत स्लोली स्लोली चेंज होती हैं। देखिए नॉर्मल स्पीड से बहुत स्लोली स्लोली चेंज हो रही है, वहीं अगर आप शिफ्ट प्रेस करके अगर इन वैल्यूज को चेंज करते हो तो वैल्यूज बहुत फास्ट चेंज होती हैं। कंट्रोल प्रेस करता हूं तो बहुत स्लोली स्लोली चेंज होगी, शिफ्ट प्रेस करूंगा तो बहुत फास्ट चेंज होगी, और नॉर्मल सिर्फ ऐसे प्रेस करके ड्रैग करूंगा इसको वैल्यूज तो बहुत नॉर्मल स्पीड से चेंज। टिप नंबर 2, मुझे पता है हर वीडियो एडिटर इस चीज से बहुत परेशान होता है जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो चलिए टिप नंबर 2। आपको मान लीजिए इस वीडियो क्लिप के ऊपर कुछ की फ्रेमिंग करनी है, तो कई बार आप क्या करते हो इफेक्ट कंट्रोल के अंदर आप प्लेहेड को जब ऐसे मूव करते हो तो प्लेहेड आपका इधर ऐसे आगे चला जाता है, और जब वो प्लेहेड ऐसे आगे चला जाता है तो देखिए प्लेहेड क्या करता है कि आगे वाली क्लिप को सिलेक्ट कर लेता है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि प्लेहेड आगे मूव हो गया, और प्लेहेड ने आगे वाली क्लिप इसलिए सिलेक्ट कर ली क्योंकि सीक्वेंस के अंदर आप जाएंगे इधर ऊपर, और यहाँ आपको दिखेगा आपको सिलेक्शन फॉलोस प्लेहेड, जहां प्लेहेड होता है वो क्लिप सिलेक्ट हो जाती है। इसको ना करें, इसको अनचेक कर दें, या फिर मैं इसका शॉर्टकट रखा हुआ, मैंने शिफ्ट एस, मैं शिफ्ट एस दबाता हूं तो मेरा वो डिसेबल हो जाता है, मैंने शिफ्ट एस दबा दिया है वो डिसेबल हो जाता है, और मैं इस क्लिप को सिलेक्ट करता हूं तो मेरा इफेक्ट्स कंट्रोल अब सिर्फ इसी क्लिप का ओपन रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ प्लेहेड की पोजीशन। प्लेहेड की पोजीशन कहीं भी हो, यहां पर भी होगी, वो प्लेहेड उसको सिलेक्ट नहीं करेगा। कोई भी क्लिप सिलेक्ट तब तक नहीं होगी जब तक आप उस पर क्लिक नहीं करते हो। मैंने इसको क्लिक किया, सिर्फ इफेक्ट कंट्रोल सिर्फ इसका दिख रहा है, तो इसमें आपको बहुत ईजी रहता है मूव करने में। अगर मैं मूव करके इधर लेके भी जाता हूं क्लिप चेंज नहीं होती है इफेक्ट कंट्रोल की। और इसमें एक चीज और है कि अगर आप मैं जैसे ऑल्ट जेड करता हूं, ये भी मेरा कस्टमाइज शॉर्टकट है, मैंने ऑल्ट जेड किया, इससे क्या हुआ कि मेरा जो पिन टू क्लिप जो पहले इनेबल था वो अब डिसेबल हो गया, अब ये पिन टू पूरी टाइमलाइन हो गया। अब जो इफेक्ट कंट्रोल पहले इस क्लिप का इफेक्ट कंट्रोल दिखा रहा था सिर्फ यहां से लेके यहां तक, मैं ऑल्ट जेड करता हूं, देखिए अब ये इफेक्ट कंट्रोल मेरा यहां से लेके यहां तक सिर्फ इस क्लिप का दिखा रहा था, मैं ऑल्ट जेड करता हूं तो ये मेरी पूरी टाइमलाइन शो करता है, और आपकी जो क्लिप सिलेक्टेड होती है वो शेडेड रीजन में दिखाता है, ये पूरी टाइमलाइन है। इससे बेनिफिट क्या होता है, मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं इधर आया तो देखिए मुझे ना यहाँ मुझे पता होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी टाइमलाइन है और ये शेडेड रीजन है जो मेरी क्लिप सेलेक्टेड है। तो इससे आपको की फ्रेमिंग करने में बहुत इजी रहती है। जब आप कभी कभी ऐसा होता है कि आपने एक ही की वीडियो क्लिप को बीच में से कट किया होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको ऐसे कट कर देता हूँ, तो और मुझे की फ्रेमिंग करनी होती है तो मेरे को इजी रहता है की फ्रेमिंग करने के अंदर कि हाँ ये वाली क्लिप मेरी ये है और ये वाली क्लिप मेरी ये है। देखिए ये थोड़ी डार्क शेडेड है, ये थोड़ी कम शेडेड है क्योंकि ये एक ही क्लिप है जिनमें आपने कट लगाया हुआ है। इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। और इफेक्ट्स कंट्रोल में जब आप बहुत सारे इफेक्ट्स लगा चुके होते हो, आपको इफेक्ट्स कंट्रोल में बार बार स्क्रॉल करना पड़ता है, उसके लिए टिप नंबर 3। और जब आपने एक ही क्लिप पे कई बार ऐसा होता है कि आपने बहुत सारे इफेक्ट्स लगाए होते हैं, सिलोमेट्री कलर बहुत सारे इफेक्ट्स लगे हुए हैं, और ये सारे के सारे आपके एक्सपेंडेड फॉर्म में है, मान लीजिए देखिए मैं इसको दिखाता हूँ, ये सारे के सारे एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे इफेक्ट्स के ऊपर जाना पड़ता है। इन सबको मिनिमाइज करने का बहुत आसान तरीका, आप ऑल्ट प्रेस करिए और किसी भी एक एरो की के ऊपर, किसी भी इफेक्ट की एरो की के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए तो सारे के सारे इफेक्ट देखिए मिनिमाइज हो जाते हैं। दोबारा क्लिक करूंगा तो सारे इफेक्ट्स आपके मैक्सिमाइज हो जाते हैं, पूरे के पूरे ड्रॉप डाउन लिस्ट उनकी ओपन हो जाती है। और आप बहुत सारे इफेक्ट्स लगा दिए तो कई बार हटाने भी पड़ते हैं, टिप नंबर 4। और इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जो आपको आज, जिसका लिंक आपको आई कार्ड या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफेक्ट्स आपके बहुत सारे लग चुके हैं और आपको उनमें से कुछ इफेक्ट हटाने हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि उन पे आप की फ्रेमिंग भी कर चुके हो तो आपको क्या करना पड़ता है, इधर जाकर इसको पहले की फ्रेमिंग यहाँ से ऑफ करनी पड़ती है। इस तरीके से आप एक काम कर सकते हो, आप कंट्रोल आर दबाओ, कंट्रोल आर मेरा ये कस्टमाइज शॉर्टकट है। ये मैंने क्या किया है, मैंने इफेक्ट कंट्रोल के अंदर गया हूँ, यहाँ पे देखिए रिमूव इफेक्ट जो है उसको मैंने कंट्रोल आर एक शॉर्टकट लगाया हुआ है, कस्टमाइज है शॉर्टकट, कंट्रोल आर करूंगा। अब मैं किसी जितने भी मेरे इफेक्ट सेलेक्टेड है मैं अगर ओके कर देता हूँ, देखिए वो सारे इफेक्ट हट जाते हैं और जो फिक्स्ड इफेक्ट है जैसे मोशन हुआ, मोशन के इफेक्ट है, ओपेसिटी, ये फिक्स्ड होते हैं, इनकी सारी की सारी की फ्रेमिंग हट जाती है और ये सारे के सारे रीसेट हो जाते हैं। और जो एक्सटर्नल इफेक्ट है जो आपने बाहर लगाए हैं, ज्योमेट्री कलर हुआ या फिर गॉशियन ब्लर हुआ, वो सारे इफेक्ट यहाँ से हट ही जाते हैं, डिलीट ही हो जाते हैं। और ये बहुत सिली सी टिप है, ये सच में मेरे एडिटिंग के
काफी टाइम बाद जाकर मुझे इसका पता चला था और मैंने अभी भी देखा काफी बिगिनर्स हैं वो इससे जूझते हैं। टिप नंबर 5, ये जो टिप है इसमें देखिए कई बार क्या होता है कि आपने इसे की फ्रेमिंग कर लिया और आपको इसके ग्राफ एडिटर को आपको एक्सेस करना होता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करते हो, मैं एकदम स्केल में की फ्रेम लगाता हूँ, यहाँ पे मैंने किया 200, यहाँ पे मैंने किया 100 और मुझे इसके ग्राफ को एक्सेस करना होता है, तो हमको ये एरिया बहुत छोटा पड़ता है। मैंने देखा ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं किया इस पे। आप माउस को थोड़ा सा नीचे लेके आइए और नीचे लेके आइए, यहाँ पर आपको देखिए एक ऐसे डबल साइडेड एरो दिखता है अप डाउन का, आप इसको पकड़ के ना ऐसे स्क्रॉल करके इसको बड़ा भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको कभी भी जब आपको ये जो ग्राफ आपको हैंडल करना है ये आपको बहुत इजी हो जाता है, वरना वो बहुत छोटा था, देखिए ये बहुत छोटा होता है तो इसमें आपको ग्राफ को हैंडल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। आप यहाँ से पकड़ के इस बॉक्स को कितना भी छोटा पड़े, मैंने इतना बड़ा कर दिया, तो देखिए मुझे कितने इजीली मैं ग्राफ को एक्सेस कर पा रहा हूँ। देखिए टिप नंबर 6 जो मैंने देखा है कि लोग यूज नहीं करते हैं पर बहुत बेनिफिशियल होता है और वो है ये। देखिए आप इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर भी आप इन आउट पॉइंट्स लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आई दबाया तो इन पॉइंट लग गया और यहाँ पे ओ दबाया तो ये ओ लग गया, इन आउट पॉइंट्स हैं ये मेरे इफेक्ट्स कंट्रोल के, वो सेम इन आउट पॉइंट्स आपको टाइमलाइन के ऊपर भी दिखते हैं, जैसे जिस तरीके से आपको यहाँ पे इन आउट पॉइंट्स आपको यहाँ पे अगर आपने लगाया इन और यहाँ पे मैंने लगाया आउट, तो यही आपको सारे के सारे जो इफेक्ट कंट्रोल के अंदर दिखते हैं, सेम इफेक्ट कंट्रोल के जो इन आउट पॉइंट्स होते हैं वो आपको टाइमलाइन के ऊपर दिखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको की फ्रेमिंग के लिए ना आपको अपने इफेक्ट कंट्रोल पैनल को फुल स्क्रीन में यूज़ करना पड़ता है, और ये जो टिप है उस टाइम बहुत काम आती है जब आप स्पेशली ऑडियो को रेफरेंस में लेके की फ्रेमिंग कर रहे होते हो। इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल के अंदर आप फुल स्क्रीन पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है प्ले ऑडियो ओनली बटन, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑडियो होता है वो आपको चलता हुआ सुनाई देगा। देखिए मैं यहाँ पर अगर इसको इसका प्ले ओनली करता हूँ यहाँ पर, तो देखिए मेरा वीडियो स्टक ही है पर मेरा ऑडियो चल रहा है अभी भी। नॉर्मल प्ले से दोनों चलते हैं और इससे सिर्फ मेरा ऑडियो चलता है, वीडियो नहीं चलता, देखिए मेरा वीडियो स्टक ही है। और ये चीज़ आपको काफ़ी काम आती है, कई बार आप फुल स्क्रीन मोड में काम कर रहे होते हैं और आपको ऑडियो के बेस पे आपको की फ्रेमिंग करनी होती है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, चाहो तो नॉर्मल प्ले का भी कर सकते हो पर इसका भी कर सकते हो। इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर आपको एक ये बटन और मिलता है लूप प्लेबैक का, जिसमें आपने इन आउट पॉइंट लगा रखे हैं तो ये जो लूप प्लेबैक होगा अगर उन्हें ऑन कर रखा और आप इसको प्ले करते हो तो देखिए वो इसी को बार बार रिपीट ऑडियो करता रहेगा। बहुत सारे इफेक्ट्स लगा चुके हो और आपको कई बार उन इफेक्ट्स को दोबारा रीचेक करना पड़ता है, कई बार आपके पास क्लाइंट के पास वीडियो जाने के बाद आपको जब वापस उससे फीडबैक मिलता है तो आपको काफ़ी चेंजेस करने पड़ते हैं और ये टिप आएगी तब आपके बहुत बहुत ज़्यादा काम। इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर हैं और आपको सिर्फ वही की फ्रेम देखने हैं, देखिए ये एक जो फिल्टर बटन होता है ये आपको दिखाता है शो ऑल प्रॉपर्टीज, शो ओनली की फ्रेम प्रॉपर्टीज, जिन प्रॉपर्टीज के अंदर आपने सिर्फ की फ्रेम लगाया है, शो ओनली एडिटेड प्रॉपर्टीज, जिन ऐसी प्रॉपर्टीज जिनके अंदर आपने की फ्रेमिंग नहीं करी है बस उनके वैल्यूज को चेंज किया है। इनके लिए मैंने शॉर्टकट्स रखे हुए हैं, आप भी ये रख सकते हो, मैं एक्चुअली ये शॉर्टकट्स काफी टाइम से यूज कर रहा हूं। शो ऑल प्रॉपर्टीज के लिए मेरा है शिफ्ट जेड तो मुझे सारी प्रॉपर्टीज शो करता है, शो ओनली की फ्रेम प्रॉपर्टीज के लिए है शिफ्ट एक्स तो जिन जिन प्रॉपर्टीज के अंदर मैंने की फ्रेमिंग करी है सिर्फ वही प्रॉपर्टीज मेरे को दिखती है, उनके अलावा मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं दिखती है। और अगर मैं करता हूँ शो ओनली एडिटेड प्रॉपर्टीज तो मैं शिफ्ट सी करता हूँ, जिन जिन प्रॉपर्टीज के अंदर मैंने कुछ चेंजेस किए हैं ये सब मैंने चेंज किया हुआ इसलिए मेरे को यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है। मैं कर दूंगा शिफ्ट एक्स तो मुझे सिर्फ वो प्रॉपर्टीज दिखाएगा जिनके अंदर मैंने की फ्रेमिंग किया हुआ है, और शिफ्ट जेड करूंगा तो मुझे सारी की सारी प्रॉपर्टीज दिखाएगा जो मुझे पूरी एक्सपेंड होकर दिख गई हैं, और एक्सपेंड हैं उनको मुझे अगर बंद करना है तो ऑल्ट दबा के मैं प्रेस करूंगा, ऑल्ट दबा के मैंने ड्रॉप डाउन सिंबल पे क्लिक किया सारी की सारी मिनिमाइज हो गई। इफेक्ट कंट्रोल के फुल स्क्रीन में काम कर रहे होते हैं तो हम लोगों को इस चीज़ का ध्यान नहीं रहता है कि यहाँ से भी हम ये सब चीज़ कर सकते हैं। जब आप की फ्रेमिंग कर रहे होते हैं तो आपको जब की फ्रेम टू की फ्रेम जंप करना होता है तो देखिए आप इस इनसे आप जंप कर सकते हो की फ्रेम टू की फ्रेम, और कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों की स्क्रीन बहुत छोटी होती है तो उनका इफेक्ट कंट्रोल उनको थोड़ा सा छोटा रह जाता है, मान लीजिए इतना सा है तो आपको वो देखिए वो जो एरोज हैं वो यहाँ पर दिख नहीं रहे होते हैं। आसान सा तरीका है कि आप शिफ्ट प्रेस करके रखिए और इसको ड्रैग करिए तो देखिए आपका जो प्लेहेड होता है वो की फ्रेम टू की फ्रेम नेक्स्ट टू प्रीवियस की फ्रेम अपने आप स्नैप करता है, जंप करता है अपने आप। इसमें एक चीज और होती है कि आपको इफेक्ट कंट्रोल के अंदर टाइम कोड भी मिलता है, ये देखिए टाइम कोड इधर है, आपको आप इफेक्ट कंट्रोल की फुल स्क्रीन में अगर काम कर रहे हैं तो आपको बाहर आने की जरूरत नहीं है टाइम कोड के थ्रू किसी टाइमलाइन के किसी फ्रेम पे जंप करने के लिए। आप यहां से भी देखिए मैं इस पे जंप करता हूं, मुझे मान लीजिए 1 सेकंड और 5th फ्रेम पे अगर जंप करना है तो मैंने लिखा 1.5 और देखिए मैं इस सीक्वेंस के 1.5 फ्रेम पे मैं जंप
कर चुका हूँ। और ये जो टाइम कोड की ट्रिक्स हैं, ये मैंने टाइम कोड के ऊपर एक डेडिकेट वीडियो बनाया है, आपको देखिएगा, वहाँ से आपको टाइम कोड से आप किस तरीके से सीक्वेंस के ऊपर आप मूव कर सकते हो, अलग अलग फ्रेम को एक्सेस कर सकते हो, कितनी जल्दी आप आगे पीछे जा सकते हो, वहाँ से आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा, प्लीज़ देखिएगा उस वीडियो को। और ये एक फाइनल टिप जो मैंने देखा है कि बहुत सारे प्रोफेशनल वीडियो एडिटर्स यूज़ करते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर, और मैं तो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, की फ्रेमिंग में ये चीज़ लाइफ सेवर है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, और वो है ये। और देखिए, ये जो टिप है ये बहुत सारे प्रोफेशनल वीडियो एडिटर्स यूज करते हैं, इवन एस के जो सोसाइटी के जो एडिटर्स हैं उनको भी मैंने यूज करते हुए देखा है इसको। और ये टिप क्या है कि किसी भी की फ्रेम को अगर आपको इजी इन इज आउट बेजियर होल एलियन करना पड़ता है, तो आपको राइट क्लिक करके इधर जाकर इसको इजी इन इज आउट करना पड़ता है, पर आप चाहो तो इसके शॉर्टकट्स रखते हो, जैसे मैंने रखे हुए हैं। इसका शॉर्टकट है F8 जो करता है मेरा ईज आउट, ये मेरा ईज आउट हो गया, फिर मैं F9 दबाऊंगा तो वो ईज इन हो जाता है, ये वाला मैं ईज इन करता हूँ, मान लीजिए मुझे F9 दबाया, ईज इन हो गया, और यहाँ पे मान लीजिए की फ्रेम और है उसको मुझे बेजियर करना है तो मैं दबाता हूँ F10, तो ये सॉरी F10, तो ये मेरा बेजियर हो जाता है, और मेरा इसी की फ्रेम को मुझे अगर होल्ड की फ्रेम में चेंज करना है तो मैं करता हूँ F11, तो ये होल्ड हो जाता है, और इसको वापस लेने में चेंज करना है तो F12, F8, F9, F10, F11, F12, और इनको सेट करने के लिए आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स में आइए, उसके बाद आप पैनल में आइए, पैनल्स में आपको यहाँ पे मिलेगा इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल के अंदर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ आपको मिलता है ईज इन, ईज आउट F8, ईज इन F9, बेजियर F10, होल्ड F11, लीनियर F12, ओके कर दीजिए और आपके वो शॉर्टकट सब आपके वैसे काम करेंगे। तो ये थे मेरे टिप्स, इनको आप यूज़ में लाओ, अपने वीडिंग स्किल को बढ़ाओ, और देखिए आप इनका यूज़ में लाएंगे, इनको आप कोशिश कीजिए, ध्यान नहीं रहेगा अगर आपको भी तो आप कोशिश कीजिए, इसी को फॉलो करो, देखना कुछ समय के बाद आपकी इफेक्ट कंट्रोल के ऊपर कंट्रोलिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको कभी भी की फ्रेमिंग वगैरह में या कुछ भी करने में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा। और चलिए, यही था मेरा एक वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मिलता हूँ ऐसे ही किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, ओके बाय बाय।